एक्सक्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास लगे स्किट बैग में मैं क्या क्या रखता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सिंगल चेन बैग है, तो यहाँ से ये ऊपर होता है गाइस, ऊपर से, और अब गाइस इसके अंदर से मैं निकालता हूँ अपनी चीज़। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है गाइस मेरी एक नायलॉन शटन जो कि एक ऑनेक्स की, और ये एक एडवेंटर की, ये गाइस फेदर कॉक है जो प्रैक्टिस के लिए थी, आज मैंने खेल खेल के तोड़ दी। सो गाइस ये मैं दो प्रैक्टिस शटल्स यूज़ करता हूँ, और मैं गाइस नायलॉन में यूज़ करता हूँ गाइस कॉनेक्स बोल्ड CLS 313, ठीक है, और नायलॉन शटल्स है ऐसी कॉक है, और 100 रुपीज़ की एक कॉक है, तो सिक्स पीस आते इसके अंदर। तो गाइस मैं अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसी कैसी अलग अलग कॉक्स भरी हुई है अभी फ़िलहाल, तो मैं बाकी सब तो टूट गई। एक ये कॉनेक्स की है, दो कॉनेक्स की हो गई, दो हो गई अपने, दो परफ्लाई की हो गई, फिर एक और कॉनेक्स की हो गई, और उसके बाद ये मेरी दो योनेक्स की है। तो तीन कॉनेक्स है, दो परफ्लाई और दो योनेक्स, आप देख सकते हो अंदर, इसके अंदर बैच भी है योनेक्स का। सो गाइस ये मैं कॉक्स यूज़ करता हूँ। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी अदर थिंग्स, ठीक है, शटल्स को रखते हैं एक साइड में। अभी मैं बताऊँगा मेरे अदर थिंग्स। सबसे पहले गाइस ये मेरे पास एक हैंड ग्रिपर टाइप है, ये गाइस ये ग्राउंड रबर रिंग है जो कि टेंशन के साथ आती है, अलग अलग इसकी अलग अलग टाइप की आती है, जैसे कि ये थोड़ी थोड़ी आसानी से दबती है, इससे बड़ी एक ब्राउन कलर की है वो थोड़ी हार्ड है। तो ये गाइस बैडमिंटन की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी रहती है, ताकि गाइस हम अपनी जो उंगलियां और रिस्ट की पावर बढ़ाती है, जिससे हम गाइस रैकेट से अच्छे स्मैश मार सकते हैं, कभी रैकेट स्लिप नहीं होगा, अपने हाथ से ग्रिप अच्छी बनेगी, और उस सब चीज़ के लिए ये काम आता है। रिंग है गाइस कुछ इस तरीके से, आप इसको दबा सकते हो, अलग अलग तरह की आपको ये मिल जाएगी। तो एक ये होगी, उसके बाद जो ग्रिप यूज़ करता हूँ वो होती है गाइस यहाँ पर लीनिंग की ग्रिप्स है, नियॉन कलर में लीनिंग की ग्रिप। सो गाइस ये जो ग्रिप मैं यूज़ करता हूँ वो होती है लीनिंग की, नियॉन कलर में आपको मिलती है, ठीक है गाइस, और ये अराउंड आपको पड़ेगी 16 रुपीज़ की। एक ये हो गई, ऐसे दो पीस लेते, एक तो ये और एक ऑरेंज कलर की जो मैंने अभी यूज़ कर ली। मैं गाइस अपने रैकेट्स की बात करूँ तो फर्स्ट रैकेट हमारे पास आता है गाइस BR परफ्लाई का BR 530, काफ़ी अच्छा गाइस रैकेट है, और आइसोमेट्रिक गाइस इसका शेप है, आप देख सकते हो। इसकी गाइस एक स्ट्रिंग टूट गई, तो यहाँ से थोड़ा टूट वगैरह है, तो टूट चुका है, तो इसको अभी वेस्ट करने से क्या मतलब, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी इसको प्रैक्टिस के लिए रख देते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में कोई ग्रिप डलवाने वाला है नहीं, अगर नियरेस्ट तो हमारा गाइस ज़्यादा से ज़्यादा जाना पड़ता है सुमेरपुर उस साइड या फिर पाली, ठीक है गाइस। तो ये मैंने ऐसे एक रख दिया प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद दूसरा भी यही है गाइस परफ्लाई BR 530, ये एकदम गाइस सही है, इसी तो मैं गाइस टूर्नामेंट खेल के आया हूँ, एकदम देख सकते हो गाइस एकदम फ्लेक्सिबल रैकेट है, स्ट्रिंग्स वगैरह भी एकदम अच्छी स्ट्रिंग्स है, और ये गाइस जो मैंने ग्रिप है जो यूज़ कर ली, ठीक है गाइस, ये भी लीनिंग की है, आप यहाँ पर देख सकते हो लीनिंग की ग्रिप है, और गाइस इसका कलर डिफरेंस है, बाकी दोनों एक ही रैकेट है, और जो बैग है ये वाला ये भी इन दोनों रैकेट के साथ ही आया था। तो ये दो हो गए, इसके बाद गाइस एक और है, ये है गाइस परफ्लाई एकदम नए गाइस आज ही ऑर्डर कराया, इसका देखो ग्रिप भी नहीं खोली, ये है गाइस परफ्लाई
का BR100, ये BR100 मिलेगा। इसकी भी स्ट्रिंग्स बहुत अच्छी है, थोड़ा सा हैवी लगा मेरे को इस रैकेट से, तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा हैवी है गाइस। और ये सब फ्लेक्सिबल नहीं है, हल्का सा है, हल्का सा मुड़ जाता है। और बाकी गाइस इसका सेफ गाइस इससे तो बहुत ही अलग है, आप देख सकते हो, मतलब एकदम अलग शेप है गाइस। ये इसकी थोड़ी बड़ी जगह है, आपको इसमें थोड़ी कम मिलती है। यहाँ से इसके गाइस थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट है, इसका गाइस पूरा ओवल शेप है, अंडे का शेप है। तो गाइस एक ये हो गया, ठीक है, देखिए कितना परफला है। और इसकी प्राइस आपको पड़ेगी अराउंड 500 रुपीज़, इसका आपको 1000 के ऊपर है इसकी रेट। ये गाइस अंडर 15 है, 500 सॉरी। ऐसे मैंने दो मंगाए है, एक और है गाइस जो कि मैंने रेड कलर में मंगाया, इसके लिए मैंने एक ग्रिप का कवर खोल दिया, जो मैं इसे ऐसे ही टेस्ट करने के लिए खोला था। इसकी भी बहुत अच्छी है स्ट्रिंग्स, और ये भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। और बाकी थोड़ा सा ये दोनों है रैकेट थोड़े से हैवी है, और ये भी 500 का ही है, तो दोनों 1000 रुपीज़ में आया है। और जिनके साथ गाइस ये एक दो कॉक फ्री आई थी गाइस, दो कॉक फ्री आई थी, तो ऐसी थी, पर मैंने इसका पूरा डब्बा मंगाया था, ऐसी थी वो दो कॉक, पर वो टूट गई, तो फिर गाइस क्या करें अभी। और ये मैंने इसका डब्बा मंगाया था, ये लास्ट दो बची, तो मैंने सोचा इनके दूसरी कॉक के साथ ही डाल। सो गाइस ये था मेरे पास, और भी गाइस कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी लेके आता हूँ। गाइस वो जो और चीज़ें थी वो मैं लेके आ चुका हूँ। सो फर्स्ट तो गाइस ये सिंगल रैकेट कवर आपको मिल सकता है, ये पूरा ऐसे कवर को रैकेट को कवर करने के लिए नहीं, इसी गाइस इसका जो नेट वाला पार्ट रहता है वो कवर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से कवर है। ठीक है गाइस, ये एक है मेरे पास, कभी कभी सिंगल लेके जाता हूँ तो ये काम आ। इसके बाद गाइस यहाँ पर गाइस मेरे पास देखे तो उनके दो टॉवेल है, ठीक है, पसीना पोंछने के लिए बहुत काम आते हैं। तो मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ, इतना बड़ा गाइस एक टॉवेल रहेगा। सो गाइस ये मेरे पास एक है अपने गाइस पसीना पोंछने के लिए। सो गाइस दो एक ये तो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन है, और ये है गाइस नियॉन ऑरेंज और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन। ऐसे मैं दो रखता हूँ। और गाइस ये एक और गाइस मेरे पास कॉनेक्स की कॉक है, चार कॉक कॉनेक्स की है। एक गाइस मैं सीजर रखता हूँ जो इतनी बड़ी है, कभी कभी मैं कुछ ज़रूरी काम हो तो ये लेके जाता हूँ, जैसे कि कोई नया रैकेट अगर मैं मंगाता हूँ और डायरेक्ट उसको खेलने लेके जाता हूँ, तो अपन उसके अनबॉक्सिंग के लिए है, जैसे कि किसी की तार टूट गई और ज़्यादा वो उसकी तार ज़्यादा मजबूत है और उससे शेप बिगड़ सकता है, तो मैं उसको फटाफट से स्केची से काट लेता हूँ। और गाइस बाकी गाइस नई चीज़ें के लिए गाइस बहुत काम आता है, नई चीज़ें अगर आराम लाते हैं तो ऐसे, तो गाइस एक ये कैची होगी। सो गाइस बहुत ही जल्द ऐसा वीडियो आने वाला है, एकदम ये से मैं रिंग सब अपना दिए एक एक करके सारा सामान अंदर डालूंगा, पूरा मतलब इंस्टॉलिंग वीडियो। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जबर। और गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को ज़रूर आगे से आगे शेयर करिए, ताकि हमारे को भी सपोर्ट मिले और हमारे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।